गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिंजेन एक बार फिर आपके अपने चैनल से और पाठशाला पर आपके लिए हाजिर हूँ। और अगली वीडियो नाउन की पार्ट 3 में, जैसे कि मैंने आपको सेकंड में बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम ना तो एक वचन में यूज़ कर सकते हैं ना ही बहुवचन में यूज़ कर सकते हैं। वो नाउन मैंने आपको दिखाए थे, मगर मैं चाहता हूँ कि उसमें एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस और है, उसको भी आप जान लीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, वो एग्जाम्पल देखिए कौन सा है। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, जैसे आई हैव, मैनी वर्क टू डू। ठीक, आई हैव मैनी वर्क टू डू। यहां पर आप देख रहे हैं कि वर्क, आप जैसे कि जानते हैं कि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। एक अनकाउंटेबल नाउन में आप ऐसे ईएस यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप एस को उठाएंगे, मगर आप ये भी जानते हैं कि एस को उठाएंगे बट मैनी अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है। मैनी के साथ हमेशा नाउन में क्या आता है? एस आता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? मैनी के क्या करना पड़ेगा? मच। क्या करना पड़ेगा? मच। क्योंकि मैनी का प्रयोग होता है किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। और मच का प्रयोग होता है किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो सेंटेंस करेक्शन ये हुआ, आई हैव मच वर्क टू डू। बट सपोज करिए, अगर मैंने ये लिख दिया आई हैव टू वर्क्स, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? आई हैव टू वर्क्स टू डू। बताइए करेक्शन क्या होगा इसमें? क्योंकि अगर आप एस को उठाते हैं तो आगे क्या लगा है? टू लगा है, और टू का मतलब द्विवचन, मतलब दो वचन हो गए, एक से अधिक हो गए, और एक से अधिक हो गए तो वर्क में एस तो लगाना पड़ेगा। बट वर्क अपने साथ एस लेता नहीं है, तो ऐसे तो हम ये अनकाउंटेबल नाउन है और टू लगा रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा? हम कैसे दिखाएंगे कि मेरे पास दो काम है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नोट लिखिए उसके लिए। उसके लिए नोट से आपको मालूम पड़ेगा इसमें क्या होगा। एक्चुअली क्या है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। अगर आप उनको काउंटेबल बनाना चाहते हैं, यदि आप उनको काउंटेबल बनाना चाहते हैं, जैसे सिंगुलर या प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो सिंगुलर में आपको उनके आगे ये ऐड करना पड़ेगा, अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ। आपको ये टर्म्स ऐड करने पड़ेंगे उनके आगे। और इफ यू वांट टू मेक देम प्लूरल, यू विल हैव टू यूज pieces of, items of, articles of, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। If you want to make them plural, ठीक है, you will have to use pieces of, items of, articles of just before them, उनसे जस्ट पहले, यानी कि आप और आगे। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, आई हैव टू वर्क्स टू डू, मेरे पास करने के लिए दो काम है। मेरे पास करने के लिए दो काम है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप टू को उठा नहीं सकते, मगर टू के साथ वर्क और वर्क में ऐसे लगा नहीं सकते। तो क्या करें ऐसे कि दोनों कंडीशन बन जाए? तो आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लगा दीजिए? टू पीसेस ऑफ। तो क्या हो जाएगा? टू पीसेस ऑफ वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू पीसेस ऑफ वर्क। इसे क्या है, टू भी खुश हो जाएगा कि इसको बहुवचन नाउन मिल गया, और वर्क भी खुश हो जाएगा कि वर्क में क्या नहीं आया, ऐसे नहीं आया। दोनों कंडीशन आपके लिए क्या रहेंगी? गुड रहेंगी। आपने एग्जाम्पल सुना होगा, ज़्यादातर लोग बोलते रहते हैं इसको, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, मुझे एक जरूरी काम है। कई लोग बोल देते हैं आई हैव एन अर्जेंट वर्क, बट आप जानते हैं कि ये वर्क अनकाउंटेबल ना होने, और जो एन आया है वो किसके लिए आया है? वर्क के लिए आया है। एन किसके लिए आया है? वर्क के लिए। आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। वो बात अलग है कि एन इसके अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है, ठीक है, वॉवेल के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल आया किसके लिए? वर्क के लिए। आप जानते हैं कि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसे सिंगुलर प्लूरल में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हमने जैसे बहुवचन बनाने के लिए ये टर्म यूज़ किया, उसी प्रकार सिंगुलर बनाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, या एन आर्टिकल ऑफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जस्ट इसके आगे लगा देंगे,
यहाँ पर वर्क किया गया, जैसे कहा था मैंने जस्ट इंक्वायर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये टर्म आपको सुना होगा, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो क्या हो जाएगा, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। एंड अब ये आर्टिकल आ गया एन किसके लिए, पीस के लिए, और हमारा वर्क इससे बच गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए ऐसा, while performing this activity I got many advices, while performing this activity I got many advices, मैंने आपको दिया इम्प्रूवमेंट यहाँ पर, मैनी एडवाइसेस, उसके लिए मैंने आपको दिए फोर ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज एंड लास्ट वन इज नो इम्प्रूवमेंट। ये कुछ कुछ अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस रूल से, वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी आई गॉट मैनी एडवाइसेस, तो मैनी पीसेज ऑफ एडवाइसेज, पीसेज ऑफ मैनी एडवाइस, मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, नो इम्प्रूवमेंट। गैस करिए क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, गैस करिए, सोच लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप गैस कर सकते हैं, वैसे भी आप इंटेलिजेंट तो है ही हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर हो सकता है, देखते हैं पहला आंसर क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें एडवाइस में क्या लगा है, एस लगा है, जब इसमें ही एस लगा दिया है तो हमें पीसेज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ आइटम को लगाने जब क्या थे। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पीसेज ऑफ मैनी क्या लगा दिया है, मैंने क्या कहा था, जब आप इनको बहुत बनाना चाहते हैं इन वर्ड्स को जो आपको लिखाए थे मैंने अपने लास्ट वीडियो में, तो उनके जस्ट आगे आपको पीसेज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ आइटम्स ऑफ लगाना है बहुत बनाने के लिए, और अ पीस ऑफ एन आइटम ऑफ एन आर्टिकल ऑफ लगाना है सिंगुलर बनाने के लिए, बट यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, इसके आगे ना लगा कर एकदम आगे लगा दिया है, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया है, क्या हो गया ये, गलत हो गया ये भी। अब आप इसको देखिए, एडवाइस एस नहीं है और इसके आगे क्या लगा, जस्ट पीसेस ऑफ लगा है, इससे मैनी भी खुश हो गया है कि मैनी को पीसेस मिल गया है और एडवाइस भी हो गया है, तो आंसर आपको क्या हो गया है ये। हाँ, अगर इसके इक्वल एक और दिया होता मच एडवाइस, क्या दिया होता, मच, क्योंकि मैनी का अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, मैनी होता है काउंटेबल एडजेक्टिव, काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, और मच यूज किया जाता है किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो या तो आप ये कर सकते थे मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस या मच एडवाइस, बट ऑप्शन वॉज नॉट गिवन, दैट्स वाई आई चॉइस दिस। ठीक, बट कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें आप पीसेस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ या आइटम्स ऑफ लगा सकते हैं, उनका सिंगुलर प्लूरल अलग ही होता है, वो देखिए कौन सा है, ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है, वो देखिए कौन से हैं, जैसे सीनरी, सीनरी का, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, सीनरी का जो प्लूरल है सिंगुलर है वो सीन है, और जो प्लूरल है वो क्या है, सीन्स, आप सीनरीज नहीं कर सकते, ठीक है, पीसेस ऑफ सीनरी नहीं कर सकते, आर्टिकल्स ऑफ सीनरी नहीं कर सकते, आइटम्स ऑफ सीनरी नहीं कर सकते। उसी प्रकार पोएट्री, पोएट्री का मालूम ही होगा सिंगुलर क्या होता है, पोइम, अब प्लूरल क्या होता है, पोइम्स, सिंगुलर ये प्लूरल। उसी प्रकार मशीनरी, मशीनरी का भी बहुवचन नहीं होता, मशीनरीज नहीं होता, अगर आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्या हुआ, मशीन और मशीन्स, सिंगुलर प्लूरल। अब एग्जांपल देखिए इस पर,
I have watched a natural scenery. Natural scenery there. I have watched a natural scenery there. ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है सीनरी. ये आर्टिकल किसके लिए आया है? सीनरी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल कभी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता. आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है. अब आप जानते हैं कि सीनरी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. और अनकाउंटेबल नाउन के लिए एडजेक्टिव तो आ नहीं सकता है आपका. तो अब क्या करें, या तो एक काम करिए, एक उठाइए, आई हैव वॉच्ड नेचुरल सीनरी करिए. तो सीनरी इज अनकाउंटेबल नाउन, यू कांट यूज आर्टिकल बिफोर दैट नाउन. If you want to make it singular, then you will use seeing in place of scenery. यदि आप singular में use करना चाहते हैं, तो you will use, आप क्या use करेंगे? Seen in place of scenery. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? या तो unnatural scenery, या तो natural scenery कीजिए, या फिर एक और लगाना चाहते हैं, तो scene कीजिए. क्या करिए? Seen करिए. I have watched a natural scene, या फिर I have watched natural scenery. ठीक. एक एग्जांपल और देखिए. यही देख लीजिए. द सीनरीज ऑफ कश्मीर is worth praising. The scenery of Kashmir is worth praising. आपको मैं ऑप्शन देता हूं इसकी जगह. पहला ऑप्शन सीन, दूसरा ऑप्शन सीन्स, थर्ड ऑप्शन सीनरी, एंड लास्ट वन इज नो इम्प्रूवमेंट. अब आपसे पूछा जाता है कि इसमें आंसर क्या होगा. कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आप मेरे आंसर पॉज, वीडियो को पॉज करके गैस कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सीनरीज उन्होंने देखा, स्टूडेंट ने सोचते सीनरीज वचन नहीं होता, इसका वचन क्या होता है? सीन्स. आंसर लगाने से पहले हम लोगों को थोड़ा वर्ब को भी गौर करना पड़ेगा. आप जानते हैं कि यहाँ वर्ब इज लगी है, और ये इज किसी कश्मीर के हिसाब से नहीं आई है. इज किसके हिसाब से आई है? सीनरीज के हिसाब से. अब ये इज सिंगुलर के लिए आई होगी या अनकाउंटेबल के लिए आई होगी? अनकाउंटेबल के लिए आई होगी. तो आपके पास दो ऑप्शन. अब क्या करता है स्टूडेंट, चलो माना कि वर्ब इज है, तो ये तो हुआ नहीं आंसर सीन्स. ठीक है, अब आंसर तो सीनरी होगा या सीन होगा. अब वो दुविधा पड़ जाता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए वर्ब सिंगुलर आती है और सिंगुलर नाउन के लिए वर्ब सिंगुलर आती है. तो मगर आप आंसर किसको चूज करेंगे? सीनरी को. क्योंकि यहाँ पर जो उसकी काउंटेबिलिटी है वो शो नहीं हो रही है. जो ये काउंटेबल नाउन है शो नहीं हो रहा है. अगर आर्टिकल ए लगा होता या एन लगा होता, कुछ भी लगा होता, तो उससे मालूम पड़ जाता कि ये क्या है नाउन. या वन लगा होता, मालूम पड़ जाता नाउन क्या है? सिंगुलर है. तब आप आंसर क्या यूज कर सकते थे? चूज सीन यूज कर सकते थे. बट नाउ द आंसर विल बी सी, सीनरी. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एस सी ई एन ई आर वाई. क्लियर? आगे देखिए. द पासिंग ऑफ आर्थर सिंगल इन्वर्ट कॉमा बंद किया, इसका मतलब किसी पिक्चर, किसी मूवी, किसी नाटक, किसी नोवेल, किसी प्ले, किसी बुक या किसी पोएम का नेम हुआ. द पासिंग ऑफ आर्थर इज अ पोएट्री बाय टेनिशन. तो मिस्टेक मालूम पड़ गई होगी आपको. द पासिंग ऑफ आर्थर इज अ पोएट्री, आर्टिकल ए लगा हुआ है और
यहाँ पोएट्री है, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए आर्टिकल ए तो आएगा नहीं, बट आप आर्टिकल ए को निठाएंगे, ठीक है, क्योंकि पासिंग ऑफ ऑर्थर एक सिंगल पोएम है डेनिशन की, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी पोएट्री होता है, पोएट्री का मतलब होता है काव्य, मतलब कविताओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड पोएट्री, एंड दिस इज नॉट अ पोएट्री, दिस इज अ पोएम ओनली, दिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ पोएम, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, पोएट्री की जगह आपका क्या हो जाएगा, पोएम हो जाएगा, द पासिंग ऑफ ऑर्थर इज अ पोएम बाई टेनिसन। एक और देखिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है, द यूज ऑफ मशीनरीज इज depriving pupil of their bread and butter. The use of machinery is depriving people of their bread and butter. Machinery का प्रयोग is depriving, लोगों को deprive कर रहा है, वंचित कर रहा है, दूर कर रहा है, of their bread and butter, उनके रोजी रोटी से। यहाँ मैंने idiom phrase यूज़ किया है bread and butter, और deprive के साथ preposition चलती है, क्या आपकी of, permanent preposition है। The use of machinery is clear। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें improvement क्या हुआ, ऑप्शन दिए मैंने आपको, अगर एरर में दिए जाते हैं तो क्वेश्चन मालूम पड़ते नहीं है, ऐसे मैंने आपको एरर दे दिया, सपोज करके पहले ही ए पार्ट बस इम्प्रूवमेंट में आया था, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट। तो स्टूडेंट फोकस जाता नहीं कि मशीनरीज का मशीनरीज नहीं होता है, वो इसको अवॉइड कर देते हैं। आंसर क्या होगा, ए। अब मैं आपसे इम्प्रूवमेंट पूछता हूँ इसकी जगह, इम्प्रूवमेंट के लिए मैं आपको फोर ऑप्शन देता हूँ, मशीन, मशीनरी, एक और देखिए पीसेस ऑफ मशीन, मशीनरी, और लास्ट वन इज नो इम्प्रूवमेंट। तो गेस कर लिया होगा आपने क्या आंसर होगा, तो द यूज ऑफ मशीनरीज इज डिप्राइविंग पीपल ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर। तो अगर आप आंसर इसको लगाएंगे, अगर आप सोच रहे हैं एज इसके अनुसार आ रहा है तो गलत, एज जो है वो इसके अनुसार नहीं आ रहा है, इसके किसके अनुसार आ रहा है, यूज के अनुसार, यूज जो आ रहा है इज आ रहा है यूज के अनुसार। तो आप ये मत सोचना सिंगुलर, इसलिए पर हम क्या लगा देंगे एज एम मशीन, अगर आप मशीन लगाएंगे आंसर तो ये हो जाएगा मशीन का प्रयोग, मशीन का प्रयोग नहीं, मशीन या तो सिस्टम लगाइए पूरा मशीनरी या मशीन से लगाइए, क्योंकि एक मशीन का प्रयोग नहीं कर रहा लोगों को वांछित उनकी रोजी रोटी से, मशीनरी का जो सिस्टम है पूरा वो दूर कर रहा है या मशीन का। तो आंसर क्या होगा, मशीन से इसमें ऑप्शन है नहीं है, और ये आपका आंसर होता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मशीनरी का प्लोल जो होता है वो मशीन होता है, और सिंगुलर क्या होता है वो मशीन होता है, तो इसलिए ये भी हट गया। अगर आप नो इम्प्रूवमेंट लगाते हैं तो नो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, आप ये लगा रहे हैं और आप जानते हैं कि मशीनरीज बहुवचन होता नहीं है, जैसे कि बताया मैंने अभी सिंगुलर प्लोल क्या होता है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। अगर आप आंसर एक्यूरेट लगाना चाहते हैं और एकदम क्लियर लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आंसर को वो ऑप्शन एलिमिनेट करिए जो नहीं हो सकते हैं, जैसे कि हमारा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो उससे क्या हमारा बोझ कम हो जाएगा आंसर लगाने का, और श्योरिटी आ जाती है, एक्यूरेसी आ जाती है कि आंसर क्या होगा हमारा, चांस बढ़ जाते हैं आंसर लगाने के। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी, द यूज ऑफ मशीनरी इज डिप्राइविंग पीपल ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की ओर, ये समय में नहीं आया हो वचन कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हो तो आप आगे इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रूम नंबर जो भी हो मुझे ध्यान नहीं है, तो मैंने पहले वीडियो में कौन सा रूल लिखाया है, सेकंड में कौन सा, आप देख लेना अपने हिसाब से, रूल नंबर से मतलब भी नहीं है।
सिर्फ किससे मतलब है, रूल से। नेक्स्ट टू ये, कुछ नाउन दिखने में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, क्या होते हैं, प्लूरल, और उनके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है, प्लूरल ही आती है, ठीक है। वो नाउन देखिए कौन से हैं, जैसे आपका गूगल्स, कुछ लोग इसे गूगल समझते हैं, गूगल में आप जानते हैं GOOGLES होता है, ये गॉगल्स है, गॉगल्स ग्लासेस, ये पेयर वाले हैं, पहले कौन से वाले, पेयर वाले, स्पेक्टिकल्स, ऑप्टिकल्स, गॉगल्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ऑप्टिकल्स, ये सारे चश्मे की ब्रांड है, ब्रांड मतलब वैरायटी है चश्मे की, गॉगल्स, ग्लासेस, ऑप्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, ऑप्टिकल्स और स्पेक्टिकल्स में अंतर, गॉगल्स तो मालूम ही आपको, बड़े बड़े जो गॉगल्स होते हैं जो बीच पे पहनते हैं लोग, 3D गॉगल्स वैसे, ग्लासेस तो आप जानती हैं सन ग्लासेस होते हैं, धूप वाले चश्मे होते हैं, स्पेक्टिकल्स वो होते हैं जैसे, पहले ऑप्टिकल समझिए तो स्पेक्टिकल समझ में आएगा आपको। ऑप्टिकल्स क्या होते हैं, आपने दुकानें देखी होंगी फ्रेम वाली, जो आई सेट चेक करते हैं, जो ऑप्टिकल्स बेचते हैं, उनमें जब आई सेट नहीं होती है, निगाह नहीं होती है, सिंपल फ्रेम होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल्स, ठीक है। बट जब उनमें आई सेट निगाह आ जाती है, इसलिए मुझे मैं पहना हुआ हूँ, ये ऑप्टिकल्स नहीं है, ये क्या है, स्पेक्टिकल, और सिंपल फ्रेम होगा तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल होगा, ठीक है। तो गॉगल्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ऑप्टिकल्स, टॉम्स, टॉम्स जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो घर पे जाना, मम्मी से पूछना, मालूम पड़ जाएगा टॉम्स क्या होता है, लड़कियों को खासतौर से अच्छी तरह मालूम होगा टॉम्स क्या होता है, चिमटा होता है, चिमटा, चिमटा बोलते हैं चिमटा, ठीक है। टॉम्स, प्लायर्स, सरसी होती है, प्लायर्स, शर्ट्स, सॉक्स, चिक, शूज, कभी सू नहीं करते, शूज शूज रहता है, ठीक है, सब पेयर वाले हैं। ट्राउजर्स, ट्राउजर पहनते हैं, पैंट, पैंट्स, निकर्स, निकर्स तो जानते ही होंगे, पैंट को आधा काट दो निकर बन जाता है, वैसे काट मत देना, अलग से आते हैं निकर्स, ट्राउजर, पैंट्स, निकर्स, पजामाज और सीजर्स, सबसे इम्पोर्टेंट सीजर्स, इसके अलावा और भी हैं, बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, ठीक है, और पेयर वाले और भी हैं, एक आध और होगा, रह गया होगा, बाइनोक्यूलर्स, इसके अलावा और वैसे भी हैं जो पेयर में नहीं होते हैं, फिर भी उनको इसी का उसमें लाया जाता है, अपब्रिंगिंग्स, BRINGINGS, ब्रिंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, ये पेयर वाले नहीं है, यहाँ से पेयर वाले नहीं है, बिलोंगिंग्स, एंट्रिल्स, एंट्रिल्स होते हैं जानवरों के इंटरनल ऑर्गन्स, दे आर कॉल्ड एंट्रिल्स, ऑड्स, विपत्तियाँ, सर्कमस्टांसेस, थैंक्स, थैंक्स वर्ब भी होती है और थैंक्स नाउन भी होता है, ऑर्डर्स, ऑर्डर वर्ब भी होती है, ऑर्डर नाउन भी होता है, ऐसा नाउन यूज़ करेंगे तो आप ऑर्डर्स यूज़ करेंगे, वचन देता है, लाइक थैंक्स, इफ़ यू वांट टू मेक इट सिंगुलर यू विल हैव टू यूज़ द सेम प्रोसेस जस्ट आई टेल यू बिफोर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी वही पीसेज ऑफ आइटम्स ऑफ एंड आर्टिकल्स ऑफ, थैंक्स, ऑर्डर्स, एम्बर्स, एम्बर्स होते हैं अंगारे, जो बर्फ, जो अंगारे तो जानते ही हैं किसके होते हैं अंगारे, आपको मालूम ही है, आग के जो रह जाते हैं ना, उनमें आग रह जाती है तो वो जलते हैं कोयले, ऐसे अंगारे, एम्बर्स, एनल्स, एनल्स होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ऐतिहासिक दस्तावेज, इनको बोलते हैं एनल्स, वेजेस, मजदूरी, वेजेस, प्रोसीड्स, प्रोसीड में से वर्ब होती है प्रोसीड, उसका मतलब होता है आगे बढ़ना, कहते हैं प्रोसीड, और प्रोसीड्स नाउन होता है, इसका अर्थ होता है मुनाफा, क्या होता है, मुनाफा,
प्रोसीडिंग्स, ये तो मालूम ही होगा आपको, कार्यवाही होती है। आल्म्स, भीख होती है। रिचेज, धन होता है। इसका जन्म हुआ था सिंगुलर के तौर पर, बट जो हो गया बड़ा बड़ा होते होते बहुवचन हो गया, मतलब रियलिटी में वो एक रिचेज एंड वेजेस दे वर सिंगुलर, सिंगुलर थे। बट ऐसे के जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश में रूल्स अपडेट होते रहते हैं, लैंग्वेज हिसाब से रूल नियम बदलते रहते हैं, फिर ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। और देखिए एक आध रह गया हो तो एसेस, अस्थियां, अर्निंग्स कमाई, सेविंग्स बचत, अर्निंग सेविंग्स, वेजिटेबल्स अर्निंग सेविंग्स वेजिटेबल्स, फंड्स, ठीक, ये सब क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल, अर्निंग सेविंग्स वैल्यूएबल्स, ठीक। ये वर्ड्स क्या है, एक आध रह गया होगा, ध्यान में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये वर्ड्स आप देख रहे हैं, इनमें से कोई से ये वर्ड आ जाएगा जिनमें, इसमें बस आपको एक काम करना है कि इनमें एस आपको हटाना नहीं है, और इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, बहुवचन होगी। क्या होगी, अबहुवचन। जैसे एग्जांपल देखिए, योर अर्निंग्स इज वेरी स्मॉल, इज वेरी लो, तुम्हारी कमाई बहुत कम है, योर अर्निंग्स इज वेरी लो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, उन्हें लगता है अर्निंग कमाई होती है तो अर्निंग ही होता होगा, एस नहीं आएगा तो एस हटा देंगे, पर आपको एस नहीं हटाना, एस तो लगा रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ योर अर्निंग्स आर वेरी लो, तुम्हारी कमाई क्या है, बहुत कम है। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम में आया हुआ ये, द पुअर शुड नॉट बी गिवन एन आल्म, गरीबों को भीख नहीं दी जानी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि आल्म को यहाँ सिंगुलर में यूज किया गया है, एन लगाए आगे, और जैसे कि आप जानते हैं कि आल्म होता है बहुवचन, क्या होता है, बहुवचन। तो बहुवचन आने के लिए पहले तुमको उसमें एस लगाना पड़ेगा, और क्या हटाना पड़ेगा, एन हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, द पुअर शुड नॉट बी गिवन आल्म्स, क्लियर। एक सेंटेंस और देख लीजिए चाहे तो, इसको रेस कर दे रहा हूं, नोट कर लिए होंगे आपने धीरे धीरे। और एग्जांपल मैं देता हूं, किस पर दे देता हूं मैं आपको, एक पेयर वाले पे ले लीजिए, योर सीजर्स इज वेरी शार्प। वैसे तो उसका लिटरल मीनिंग अगर देखेंगे तो ये कहते हैं तुम्हारी जवान बहुत तेज है, कैंची तो चलती है ना, कहते हैं तो भाई योर सीजर इज वेरी शार्प। तो क्या गलती है इसमें, आप जानते हैं कि सीजर ऑलरेडी आपका क्या है, बहुवचन है, तो आप इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये दिखने में बहुवचन है, और उनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, बहुवचन होगी। वैल्यूएबल में एक कंडीशन है, अगर वैल्यूएबल में आप एस नहीं लगाना चाहते हैं एस, तो एस की जगह आपको कोई थिंग्स ऐड करनी पड़ेगी, फिर ये एडजेक्टिव बन जाएगा वैल्यूएबल और थिंग्स। एस इज इक्वल टू नाउन है, एस का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई थिंग है, ठीक है। आगे देखिए, अगर सपोज करिए इन पेयर्स वालों को, यहाँ तो जो पेयर लिखाए थे मैंने आपको ऊपर भी लिखाए थे कुछ, इन पेयर्स को अगर सिंगुलर में शो करना हो, किस में शो करना हो, सिंगुलर में शो करना हो, तो क्या करेंगे इनके लिए, फिर आप इनके लिए आप ये करेंगे कि आप उनमें पेयर ऑफ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पेयर ऑफ, जैसे कि आप पेयर ऑफ सीजर्स, अब पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अब बट कैसे मत लिख देना कि आपने लिख दिया I got a spectacle on the road. मुझे सड़क पर एक चश्मा मिला। कुछ साइंटिस्ट ऐसे कर देते हैं, कुछ होशियार जो होते हैं ज़्यादा,
वो सेंटेंस ऐसे बनाए थे, मुझे एक चश्मा मिला सड़क पर। अगर आपने ऐसा कर दिया तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, 2.5 नंबर कटेगा आपका, 2 नंबर इसका और 0.5 किसका, नेगेटिव का। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेक्टिकल ऑलरेडी प्लूरल है, तो आप आर्टिकल ए तो यूज़ कर ही नहीं सकते। इसमें एस लगाना आपके लिए क्या है, परमानेंट है, आपको एस लगाना ही पड़ेगा। अब एस लगा रहे हैं तो आर्टिकल ए हटाना पड़ेगा, बट आर्टिकल ए हटाएंगे तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि चश्मा एक था, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। आई गॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ऑन द रोड, इज दैट क्लियर। एक और देखिए, कभी भी नहीं कहते कि, कभी भी आप दुकान पर जाते हैं तो कभी कहते हैं क्या, एक जूता देना, एक चप्पल देना, नहीं कहते ना, क्या कहते हैं, एक जोड़ी जूते दिखा दो, एक जोड़ी चप्पल दिखा दो। उसके लिए हम क्या लगाते हैं जोड़ी के लिए, पेयर। जैसे ये कभी नहीं कहते हाउ मैनी, हाउ मैनी शूज डू यू वॉन्ट, कभी ये भी नहीं बोलते हाउ मैनी शूज डू यू वॉन्ट, कितने जूते तुम चाहते हो, बहुत और लगता है कितने जूते तुम चाहते हो, तो क्या हुआ कितने जोड़े जूते तुम चाहते हो, तो क्या हो जाएगा हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज डू यू वॉन्ट, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज डू यू वॉन्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल देखिए, एक्चुअली कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में, जिनके पीछे ओ एन लगा रहता है, क्या लगा रहता है, ओ एन, और जब हम उनको प्लूरल में चेंज करते हैं तो ओ एन को हटाकर क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं उनमें। वो दो नाउन होते हैं ऐसे, एक तो आपका क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, एंड सेकेंड वन इज फेनोमिनल। क्राइटेरियन मतलब क्राइटेरिया, आपने वर्ड सुना होगा, क्राइटेरियन मतलब योजना, एक प्लानिंग, मापदंड, और फेनोमिनल होता है एक प्रोसेस, प्रक्रिया, घटना। ठीक है, तो इसमें देखिए आप ओ एन लगा हुआ है, आप जब उसको प्लूरल चेंज करेंगे तो आप ओ एन को उठाकर क्या लगा देंगे, ओ एन में ओ एन को उठा के लगा देंगे एस। ऐसा मत कर देना कि आप इसी में एस जोड़ दो, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। आपको इसकी जगह डागर क्या लगाना पड़ेगा आपको, एस। एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, एंड इट इज अ नेचुरल फेनोमिना, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड इट इज अ नेचुरल फेनोमिना। ठीक है, तो क्या गलती है, सूरज पूरब में निकलता है और ये क्या एक प्राकृतिक चमत्कार है, तो फेनोमिना। अब आप देख रहे हैं कि ये फेनोमिना बहुवचन टर्म है, प्लूरल टर्म है, और आप देख रहे हैं घटना कितनी है, एक ही है कि सूरज पूरब में निकलता है और यह क्या एक प्राकृतिक घटना है। तो ये आर्टिकल आपको बताया, जैसे कि मैंने आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, तो एक इसके लिए आ रहा है, फेनोमिना के लिए आ रहा है, तो यहाँ फेनोमिना हुआ है, फेनोमिनन होगा, क्या हो जाएगा, फेनोमिनन हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड इट इज अ नेचुरल फेनोमिनन। क्लियर, तो गलती क्या है आपका, फेनोमिना किए गए, फेनोमिनन हो जाएगा। एक और देखिए एग्जाम्पल, वंडरफुल फेनोमिनन्स सडनली अपीयर, वंडरफुल फेनोमिनन सडनली अपीयर, कभी कभी दिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वंडरफुल फेनोमिनन सडनली अपीयर, तो यहाँ पर वंडरफुल है फेनोमिनन्स। अब आपको इसके लिए मैं ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन फेनोमिना, फेनोमिनास, फेनोमिनन,
phenomenons, and fourth, no improvement. Now you have to choose one of them out of four options. Phenomena, phenomena, phenomenons, no improvement. तो क्या कौन सा पार्ट होगा? गैस करिए. गैस कर लिया होगा तो मैं बताता हूँ आपको. आप देखिए वंडरफुल फेनोमिनन्स, एक इसको और बता दीजिए इसको, अब अच्छा लगेगा. आप थोड़ा नेक्स्ट सोचने पे आप सोचेंगे. तो आंसर देखिए, ये तो हो नहीं सकता कि फेनोमिना में एस तो आ नहीं सकता, क्योंकि फेनोमिना ऑलरेडी प्लूरल होता है, फेनोमिना सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल फेनोमिना होता है. फेनोमिना फेनोमिनन को देखिए, गलती क्या है? आंसर ये भी नहीं हो सकता कि नो इम्प्रूवमेंट में एस ही नहीं सकता इसमें फेनोमिनन में. अब दो हट गए हमारे ऑप्शन, हमारा बहुत हल्का हो गया. अब हम ए और सी में से चूज करेंगे. अब ए और सी देखिए, अब फेनोमिना इसका मतलब ऑप्शन है, फेनोमिनन सिंगुलर है. अब ये तो कुछ भी सही हो सकता है, बट डिपेंड करना पड़ेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर. सेंटेंस का स्ट्रक्चर किसको सपोर्ट कर रहा है, ऑप्शन ए को या ऑप्शन सी को? अब यहाँ देख रहे हैं आप, एपियर जो वर्ब है उसमें एस नहीं लगा है. क्या नहीं लगा है? एस. और जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल है कि अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो वर्ब में क्या नहीं लगता है? एस ही लगता है. अब यहाँ एस तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो यहाँ पूछा है उन्होंने, तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर क्या लगाएंगे? आंसर फेनोमिना. अगर यहाँ एस लगा होता तब भी नहीं होता, क्योंकि तब भी आपको यहाँ लगाना होता अब वंडरफुल, क्योंकि अगर नाउन सिंगुलर होता है तो उसके आगे आर्टिकल अवश्य आता है. ना तो यहाँ पर आर्टिकल है आपका, और ना ही इसमें क्या है, एस है. तो उसका मतलब पूरी कंडीशन सपोर्ट कर रही है कि इसको प्लूरल नाउन को. तो यहाँ फेनोमिनन की जगह क्या हो जाएगा? फेनोमिना हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए क्राइटेरियन क्या हो, देख लीजिए. आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है. काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने आपको, इसमें एग्जाम में आती ही है. नाउन से अगर कुछ आएगा तो ये जरूर आएगा. इनसे आने की प्रबल एकदम सीवियर कंडीशंस है. देखिए एग्जांपल एक बार. यू शुड मेक अ क्राइटेरिया फॉर दिस प्रोजेक्ट. ऑप्शन क्राइटेरियन इसको डाल दो, इसको पूरा कर दो. क्राइटेरियाज क्राइटेरिया और फोर्थ नो इम्प्रूवमेंट. कौन सा आंसर होगा? यू शुड मेक अ क्राइटेरिया फॉर दिस प्रोजेक्ट. आप देख रहे हैं मेक आ रहा है, क्राइटेरिया आ रहा है. अगर आप आर्टिकल ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए. तो आप देख रहे हैं कि क्राइटेरिया में क्या लगा हुआ है, क्राइटेरिया ऑलरेडी बहुवचन है. अगर आप इसकी जगह इसको लगाएंगे तो मैंने कहा था अगर नाउन सिंगुलर हो तो उसके आगे आर्टिकल अवश्य आता है. अगर ये होता, खाली इतना इंप्रूवमेंट पूछता, सिर्फ इतना अ क्राइटेरिया, तो आपका आंसर ए होता. क्या होता? ए, कि अ क्राइटेरियन सही होता. बट उन्होंने पूछा है क्या इसकी जगह इम्प्रूवमेंट, तो ये तो हट गया, ये तो हट गया, ये भी हट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी प्योर होता है तो ऐसे नहीं आएगा. अब बात करते हैं किसकी, क्राइटेरिया की. इसकी जगह हम क्राइटेरिया लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि आर्टिकल ए वाउचर नाउन के साथ आता नहीं है, इसलिए इम्प्रूवमेंट पूरे ने पूछा है. अगर इम्प्रूवमेंट यहाँ पूछता तो आंसर ये होता. इम्प्रूवमेंट पूरे ने पूछा है तो आंसर क्या होगा आपका? क्राइटेरिया. क्लियर? यू शुड मेक क्राइटेरिया फॉर दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, ये हो गया. आप आज के लिए इतना ही बहुत है. ज़्यादा पढ़ेंगे तो हो सकता है, वैसे ही गर्मी पड़ रही है और गर्मी का असर पेट पर तो पड़ता ही है, ज़्यादा पढ़ने से दिमाग पर ही पड़ता है. इतना ही बहुत है आपके लिए. लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं, आप कमेंट करते नहीं हैं, आप लाइक करते नहीं हैं, शेयर करते नहीं हैं. हम अपना कर्म कर रहे हैं मगर आप अपना कर्म नहीं कर रहे हैं. अपने कर्म को निभाएं, कर्म ही पूजा है. धन्यवाद.